नई बहू के घर आई नो गंजी कन्या। नीरजपुर गांव में आस्था नाम की एक लड़की रहा करती थी। आस्था देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर साल नवरात्रि पर उपवास करके कन्या पूजन किया करती थी। लेकिन शादी के बाद आस्था को देवी माँ की पूजा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आस्था की सास पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और ना ही वो कभी अपने घर में पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन इस बारे में आस्था को शादी से पहले कुछ नहीं पता था, क्योंकि हाल ही में आस्था की शादी विनोद से हुई थी और विनोद और आस्था एक ही कंपनी में काम किया करते थे। लेकिन जब शादी के बाद आस्था अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी सास की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी और वो ज्यादातर बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, जिस वजह से आस्था अपनी सास की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लेती है और विनोद से कहती है, सुनिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं घर पर ही रहकर माँ जी की सेवा करूं, इससे माँ जी जल्दी ठीक हो जाएंगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा। सच में आस्था, मुझे तो लगा था कि माँ की यह हालत देखकर तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और मुझे अकेली ही माँ को संभालना पड़ेगा और नौकरी करते हुए माँ की देखभाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा काम ही आसान कर दिया। सच में तुम बहुत अच्छी हो। देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना माँ जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और मुझे अपनी माता रानी पर पूरा विश्वास है कि वो माँ जी को बहुत जल्दी ठीक कर देंगी। तुम सही कह रही हो आस्था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विनोद की ये बात सुनकर आस्था पूरे घर में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी पूजा पाठ का कोई सामान नहीं मिलता और न ही उसे पूरे घर में मंदिर या माता रानी की कोई मूर्ति दिखती है। जिसके बाद आस्था विनोद से कहती है, सुनिए घर में ना तो कोई मंदिर है और न ही माता रानी की कोई मूर्ति। वो दरअसल आस्था, माँ को पूजा पाठ में जरा भी दिलचस्पी नहीं है और न ही वो पूजा पाठ में विश्वास रखती है और न ही उन्हें ये सब करना पसंद है। लेकिन ये तो गलत है ना, माता रानी की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और वो घर में सभी लोगों का कल्याण करती है। देखना माता रानी के घर में आती ही माँ जी कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर आस्था उसी दिन बाजार जाती है और बाजार से माता रानी की मूर्ति और पूजा पाठ का सारा सामान ले आती है और बड़े ही प्यार से माता रानी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करने लगती है। और ऐसी ही हर सुबह आस्था सबसे पहले माता रानी की पूजा करके अपनी सास को माता रानी का प्रसाद खिलाती और अपनी सास की खूब सेवा करती है, जिससे कुछ ही दिनों में आस्था की सास बिल्कुल ठीक होने लगती है। और ऐसी ही एक दिन जब तीनों बैठकर एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी विनोद कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, माँ आज कितने दिनों बाद हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर रही है। अरे ये सब तो मेरी बहू की मेहनत और उसकी सेवा का असर है, अगर ये नहीं होती तो आज मैं तेरे साथ यहाँ बैठकर नाश्ता नहीं कर रही होती। अरे नहीं माँ जी, ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि माता रानी के आशीर्वाद की वजह से हुआ है। देख आस्था बहू, मुझे तो ये पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं है और मुझे तू ये जो रोज रोज माता रानी का प्रसाद खिलाती है, मुझे ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरी बात मान, तू यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर दे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, कुछ दिनों में नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और आपको पता है मैं हर साल नवरात्रि पर पूजन करके नौ कन्या को भोजन करवाती हूँ। लेकिन बहू हमारे घर पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ जी प्लीज मुझे नवरात्रि का ये त्योहार मनाने दीजिए, मुझे नवरात्रि की ये पूजा करना बहुत पसंद है और मैं ये बचपन से करती आई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं तुझे घर में पूजा तो करने दूंगी लेकिन तू मेरे घर में कोई भी कन्या पूजन नहीं करेगी। लेकिन माँ जी बिना कन्या पूजन के तो नवरात्रि का त्योहार अधूरा माना जाता है। अरे आस्था तुम क्यों परेशान हो रही हो, अगर माँ तुम्हें घर में कन्या पूजा नहीं करने देगी तो तुम मंदिर में जाकर कर लेना, इससे माँ भी खुश और तुम भी खुश। अपने पति की ये बात सुनकर आस्था दुखी मन से कहती है, ठीक है जैसा आप कहें। और इस तरह कन्या पूजन घर में नहीं कर पाने की वजह से आस्था मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो फिर भी नवरात्रि की पूरी धूमधाम से तैयारी करती है
है और नवरात्रि के दिन शुरू होते ही आस्था पूरी लगन से माता रानी की पूजा करती है और हर सुबह जल्दी उठकर वो सबसे पहले माता रानी का भोग तैयार करती है और माता रानी की पूजा करते हुए उन्हें भोग लगाती है। और कुछ देर बाद जब सब लोग नाश्ता के लिए आते हैं तभी आस्था कहती है, माँ जी विनोद जी ये लीजिए, सबसे पहले माता रानी का प्रसाद खाइए। अरे ये क्या बहू, आज तो फिर सुबह सुबह ये माता रानी का प्रसाद लेकर खड़ी हो गई। माँ जी ये माता रानी का प्रसाद खाने से आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, इसलिए ये प्रसाद आपके लिए बहुत जरूरी है। अरे हाँ हाँ, तेरी ये माता रानी का प्रसाद खाकर ही तो मैं जिंदा हूँ। चल अब जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। इतना सुनकर आस्था फटाफट से अपनी सास और अपने पति के लिए नाश्ता लगाती है, जिसके बाद उसकी सास उससे कहती है, अरे ये क्या, तूने बस हमारे लिए यही नाश्ता लगाया है, तू नाश्ता नहीं करेगी क्या? नहीं माँ जी, मैंने माता रानी के लिए 9 दिन का उपवास रखा है। लेकिन आस्था 9 दिन भूखा रहकर तुम घर के काम कैसे करोगी? उसकी चिंता आप मत करिए, माता रानी अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखती है और उन्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देती है। और इस तरह आस्था सबको नाश्ता करवा कर अपने घर के कामों में लग जाती है और इसी तरह आस्था भूखे रहकर माता रानी की सच्चे दिल से पूजा करती है। और 9वें दिन जब आस्था सुबह जल्दी उठकर कन्या पूजन के लिए भोग तैयार कर रही होती है तभी उसके दरवाजे पर 9 गंजी कन्याएं आती है और कहती है, माँ घर में कोई है? हम बहनें बहुत दूर से आई हैं, कृपया कर हमें भोजन करवाइए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। उन कन्याओं की आवाज सुनकर आस्था की सास बाहर आती है और उन्हें देखकर कहती है, अरे तुम लोग कौन हो और ये सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर क्या करने आई हो? माँ जी हम यहाँ भोजन करने आए हैं, हमें पता है कि आपकी बहू ने माता रानी के 9 दिन का उपवास रखा है। अरे पहले ये बताओ कि तुम लोगों को यहाँ बुलाया किसने? हमें किसी ने नहीं बुलाया माँ जी। अरे जब किसी ने नहीं बुलाया तो फिर यहाँ सुबह सुबह क्या करने चली आई? चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह ये गंजी चली आई। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर विनोद बाहर आता है और कहता है, अरे माँ ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ से ये गंजी लड़कियाँ सुबह सुबह खाना मांगने चली आई, चलो अब जाओ यहाँ से। और इस तरह आस्था की सास उन 9 गंजी कन्याओं को वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद उनके वहाँ से जाते ही आस्था की सास की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अपनी माँ की ये हालत देखकर विनोद जोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। तभी विनोद के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आस्था भागते हुए बाहर आती है और कहती है, अरे माँ जी आपको क्या हो गया? सुनिए जी क्या हुआ माँ जी को? अभी तक तो माँ जी बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? पता नहीं आस्था, उन गंजी कन्याओं के जाते ही माँ की तबीयत अचानक से इतनी खराब हो गई है। गंजी कन्या? कौन सी गंजी कन्या? आस्था की ये बात सुनकर विनोद उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद आस्था कहती है, ये क्या कर दिया माँ जी ने आपको नहीं पता, लेकिन माता रानी किसी भी रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेने यहाँ आती है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो नो गंजी कन्या जरूर माता रानी का ही स्वरूप होगी, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, आप यहाँ माँ जी का ख्याल रखिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर आस्था इधर उधर उन 9 गंजी कन्याओं को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। तभी थक हार कर आस्था माता रानी के मंदिर के बाहर खड़ी होकर हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है, हे माता रानी मुझे पता है कि मेरी माँ जी ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, लेकिन कृपया करके उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें आपकी भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आप उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आस्था की ये बात सुनकर उसी समय वहाँ पर वो 9 गंजी कन्याएं प्रकट हो जाती है और आस्था से कहती है, हमें पता है कि तुम माता रानी के बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। मुझे माफ कर दीजिए माता, जो आपको बिना मेरे घर से भोजन किए जाना पड़ा, इसलिए आप लोग मेरे घर चलिए। इतना कहकर आस्था उन 9 गंजी कन्याओं को अपने घर लेकर आती है और उन्हें बड़े ही प्यार से भोजन करवाती है, जिसके बाद वो गंजी कन्या आस्था से कहती है, हमें आपका प्रसाद बहुत अच्छा लगा और हम आपकी ये आस्था देखकर बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपकी माँ जी को ये आशीर्वाद देते हैं कि वो फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सब पर बरसता रहेगा।
उन कन्या की ये बात सुनकर संध्या और विनोद उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो नौ कन्या वहाँ से गायब हो जाती है। और ये सब देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आस्था की सास भी पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, तूने सही कहा था, माता रानी की भक्ति में बहुत शक्ति है, इसलिए अब से मैं भी हर रोज माता रानी की पूजा करूंगी और हर साल बड़े ही धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मनाऊंगी। और इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है और आस्था के साथ साथ अब उसकी सास भी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त बन जाती है। काली स्टूडेंट के जादुई लंबे बाल। बहुत समय पहले की बात है, धीरजपुर गाँव में सुमन अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी और उसके पिता मोहन गांव में ही मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। और ऐसे ही आज जब सुमन के पिता घर आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे सुमन बेटा, कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। तभी सुमन की माँ विमला कहती है, अरे क्या बात है जी, आज तो आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की ही तो बात है विमला, हमने जो सरकार की तरफ से मुफ्त फॉर्म भरा था ना, उसमें हमारी बेटी सुमन का नाम आ गया है और अब हमारी बेटी गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन सुमन बेटा तुम ऐसी उदास क्यों हो गई, क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? माँ पिताजी, आपको तो पता है ना कि मेरे काले चेहरे की वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और मेरे लंबे बालों को देखकर हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है, तो अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो वहाँ पर भी सारे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं बेटी, वो तो गांव का सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ पर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही तुम्हें कोई परेशान करेगा। सुमन दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन उसके काले लंबे घने बाल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई सुमन के काले चेहरे और उसके लंबे बालों का मजाक उड़ाया करता था, जिस वजह से सुमन नए स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा घबरा रही थी। लेकिन अपने माता पिता के समझाने के बाद सुमन चुपचाप स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल जाते ही स्कूल के सभी बच्चे और टीचर सुमन को घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो जरा इस लड़की को, ये कितनी काली और बदसूरत है और इसके इतने लंबे बालों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, मानो जैसे कोई चुड़ैल हो। तुमने सही कहा रचना, ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है, ऊपर से इसके इतने लंबे काले बाल जो दिखने में कितने अजीब लग रहे हैं, मुझे तो सच में इसे डर लग रहा है। और इस तरह क्लास के सभी बच्चे सुमन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी क्लास टीचर सौम्या क्लास में आती है और कहती है, कीप साइलेंट, ये क्या हो रहा है, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो, चलो चुपचाप जाकर अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और तुम न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? वो मैम, मेरा नाम सुमन है। अरे तुमने आज क्लास में आते ही शोर मचवाना शुरू कर दिया, और एक तो आज तुम्हारी ये काली शक्ल देखकर बताने मेरा दिन कैसा जाएगा, चलो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसी समय क्लास में मीनाक्षी नाम की दूसरी टीचर आती है और जब वो सुमन को सीट पर बैठा हुआ देखती है तो वो सौम्या मैम से कहती है, अरे सौम्या मैम, ये लड़की क्या आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट है? हाँ मीनाक्षी मैम, आज ही आई है, वो भी उस मुफ्त फॉर्म की वजह से, वरना इन गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन वैसे लड़के दिखने में जितनी काली है, इसके बाल उतने ही लंबे और काले हैं, और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। इतना कहकर मीनाक्षी मैम सौम्या मैम के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद से सौम्या मैम का व्यवहार सुमन को लेकर पूरी तरह से बदल जाता है और वो सुमन से कहती है, अरे सुमन बेटा, क्या तुम मेरे साथ आज छुट्टी तक रुक सकती हो? वो क्या है ना, मुझे आज अपनी अलमारी में से कुछ पेपर ढूंढने हैं, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं टीचर जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर सुमन टीचर के कहने पर छुट्टी तक उसके साथ रुक जाती है और सभी बच्चों के जाने के बाद सौम्या सुमन से कहती है, वैसे सुमन बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा लंबे और सुंदर है, पता नहीं मेरे बाल इतने लंबे कब होंगे, वैसे क्या मैं तुम्हारे बालों को छू सकती हूँ? क्यों नहीं मैडम जी।
इतना कहकर सौम्या मैडम सुमन के बालों को छूने के बहाने उसके कुछ बाल चुपके से काट देती है, जिस वजह से सुमन को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी क्लास टीचर उससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रही होती है। और इसी तरह सौम्या मैम हर रोज किसी न किसी बहाने से सुमन को अपने साथ छुट्टी के समय रोक लिया करती थी और उसके बालों को रोज थोड़ा थोड़ा करके काटने लगती है, लेकिन सुमन को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती है। और ऐसे ही धीरे धीरे सुमन के बाल छोटे होने लगते हैं। तभी एक दिन जब सुमन अपने बाल को धोकर बाहर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे सुमन बेटा, ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुमने किसी से अपने बाल कटवाए हैं? नहीं माँ, मैंने तो किसी से भी अपने बाल नहीं कटवाए हैं, और भला मैं अपने लंबे बालों को क्यों कटवाऊंगी? एक यही तो है जिसकी वजह से लोग मुझ पर गौर करते हैं। अरे विमला, क्या तुम भी ऐसे छोटे छोटे बातों को लेकर बैठ जाती हो? खामखा मेरी बेटी को परेशान कर रही हो। अरे एक तो बड़ी ही मुश्किल से उसका इस स्कूल में मन लगा है, और तुम ऐसी बातें करके उसका मन फिर से बहका रही हो। अरे बालों का क्या है, वो तो फिर से बढ़ जाएंगे, इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो और तैयार होकर स्कूल जाओ। और इस तरह विमला भी अपने पति की ये सब बातें सुनकर चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन टीचर सौम्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसका लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन जब वो सुमन के बाल हद से ज्यादा काट देती है तो सुमन को इस बात का पता चल जाता है और वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब सौम्या मैडम आप ही हैं जो हर रोज मेरे बालों को काट रही थी, और तभी मेरे बाल दिन पर दिन छोटे होते जा रहे थे। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं प्रिंसिपल मैम को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। सुमन के इतना कहते ही वहाँ पर मीनाक्षी मैडम भी आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस लड़की की जवान कितनी लंबी हो गई है, ये अब हमारे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। अरे हम इसे कंप्लेंट करने देंगे तब ना, इसे अभी हमारे बारे में पता ही क्या है। सुन लड़की, अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुझे इस स्कूल से निकलवा देंगे और फिर तेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, इसलिए चुपचाप जो हो रहा है होने दे। इतना कहकर दोनों टीचर मिलकर सुमन के सारे बाल काट देती है और सुमन बेचारी कुछ नहीं कर पाती है और वो रोते हुए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और कहती है, मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती और ना ही मैं उन टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन कर सकती हूं, वरना वो सब मुझे स्कूल से निकलवा देंगे और फिर पिताजी को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा इस स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुमन इतना कह ही रही होती है कि तभी उस नदी में से एक सुंदर सी जलपरी बाहर निकलती है और वो सुमन से कहती है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक जादुई जलपरी हूं और जब मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। तो बताओ क्या बात है? उस जलपरी के इतना कहते ही सुमन उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसा जादुई बाल दूंगी जिसे कोई भी नहीं काट पाएगा, और अगर कोई भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही गंजा हो जाएगा, और जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक उसके सर पर बाल नहीं आएंगे। इतना कहकर वो जलपरी जैसे ही सुमन के सर पर हाथ लगाती है, वैसे ही सुमन के सर पर जादुई घने लंबे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जलपरी, अब मैं खुशी खुशी अपने घर जा पाऊंगी। इतना कहकर सुमन खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अगले दिन जब सुमन स्कूल जाती है तो उसके सर पर फिर से काले लंबे घने बाल देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो दोनों फिर से एक बार सुमन के बाल काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार जैसे ही वो सुमन के बाल काटने जाती हैं, वैसे ही वो दोनों खुद गंजी हो जाती है। और ये देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे सौम्या मैम, ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे बाल कहाँ गए? अरे हाँ, हम तो गंजे हो गए, अब हम लोग ऐसे बाहर कैसे जाएंगे? अब आप दोनों के सर पर बाल तभी आएंगे जब आप दोनों प्रिंसिपल मैम के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगी, इसलिए मैं अभी प्रिंसिपल मैम को बुला कर लाती हूँ।
इतना कहकर सुमन प्रिंसिपल मैम को बुला कर ले आती है, जिसके बाद सारी सच्चाई प्रिंसिपल मैम के सामने आ जाती है और वो कहती हैं, अरे तुम दोनों एक टीचर होकर ऐसा घिनौना काम करती हो, तुम लोग बच्चों के बाल काटकर उन्हें बाजारों में बेचा करती हो, क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? आज तुम लोगों की वजह से हमारे स्कूल बदनाम हो रहा है, इसलिए तुम दोनों को मैं आज ही अपने स्कूल से निकाल रही हूँ और तुम्हें आज के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और यही तुम लोगों की सजा होगी। और इस तरह दोनों टीचर की सच्चाई बता देने के बाद उनके सर पर बाल तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है। और अब सुमन खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल के सभी बच्चे भी सुमन के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं।